दोस्तों सनातन पर अब बिगड़े बोल। उदय निधि के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे का विवादित बयान अब आया है सामने। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य मंत्री उदय निधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जिसे देश भर में अब हंगामा मच गया है। उदय निधि स्टालिन के मुताबिक सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी डीएमके और विपक्षी गठबंधन पर हमलावर कर रहा है, वहीं उदय निधि स्टालिन के समर्थन में भी कई नेता धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब तो वहीं प्रियांक खड़गे ने उदय निधि स्टालिन के बयान का अब किया है बचाव। उदय निधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता या सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास मानव होने की गरिमा है, वह धर्म नहीं है। मैं कोई भी धर्म जो आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान ही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे ने पहले आरजेडी नेता मनोज झा और कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चंद्रबर्म के बेटे कार्तिक चिदंबरम जैसे नेताओं ने उदय निधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया। कार्तिक चिदंबरम ने उदय निधि के बयान पर कहा कि सनातन धर्म एक कास्ट हायरार्कियल सोसाइटी के लिए कोड के अलावा कुछ नहीं है, जाति भारत का अभिशाप है। दोस्तों ये ना जो बातें हैं, ये उन्होंने थोड़ी बातें कही है लेकिन ये बातें बहुत मायने रखती है। जो सनातन धर्म है एक तरह का, जो सब जानते ही हैं, इनडायरेक्ट वे में कह लो या डायरेक्ट वे में, कि हिंदू धर्म को प्रमोट करने का काम करता है और हर कोई सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है जो हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर यही कोई और धर्म के लोग, कोई और जाति के लोग ऐसी बात करता तो ये अभी बातें बहुत बड़ी हो जाती। लेकिन ये हिंदू धर्म के बारे में बातें हो रही है तो इसीलिए ज़्यादा बड़ी नहीं हुई और शांत है, इसलिए लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, लोगों ने दबा दिया क्योंकि लोग ना नहीं निकल पाते, नहीं बोल पाते अपनी विचार। लेकिन अगर यही और किसी जाति के बारे में कहा जाता तो ये बातें को बहुत बढ़ाया जाता, खुद विपक्षी दल ही इसका समर्थन करता। अब विपक्षी दल नहीं बोल रहा क्योंकि ये चीज़ें गलत है ना। आप पॉलिटिक्स खेलो, आप कुछ सब कुछ करो लेकिन पॉलिटिक्स में जाति धर्म इन सब को नहीं लाना चाहिए। हर धर्म का अपना अपना सही वैल्यू है लेकिन आप किसी और धर्म को नहीं खींच के ला सकते हो और उसके बारे में कुछ भी बोलो और चाहो कि समर्थन मिले और लोग समर्थन भी कर रहे हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बेटे खुद समर्थन कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये समझने की ज़रूरत है आगे जनता को भी और आगे लोगों को भी कि जो जिन्हों को आप लोगों ने चुना है वो ही कैसी बातें, वही धर्म की बातें, वही जाति पात की बातें करके देश को कैसे बहला फुसला रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है जातिवादी में कि ये सब बातें जो हो रही है ये सही है धर्म की बातें? अपना जवाब हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।